मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अगर आप इस देश में रहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बिना दवा के जीवन शैली बदल दीजिए। ये अमेरिका और यूरोप वाली जो जीवन शैली है हमारी, सवेरे से लेकर शाम तक इसको बदल दीजिए, भारतीयता वाली जीवन शैली में आ जाइए, आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही चली जाए और 10% बीमारियां आपकी, जो आप भारतीयता के इन मूल्यों को स्वीकार कर लें कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है। अगर अपने लिए है तो वो पशु का जीवन है, परमार्थ के लिए ये जीवन है, तो बाकी 10% वो किसी में से निकल जाएंगे। तो आप बोलेंगे हमें क्या करना है, सवेरे से शाम तक आप एक लिस्ट बनाइए अपनी जिंदगी में और देखिए कि कहां कहां आप भारतीय हैं और कहां यूरोपीय हैं। जहां जहां आप यूरोपीय हैं उसको बदल के भारतीय हो जाइए, आप ही को दें, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो कहां से शुरू करें, सवेरे सोकर उठने से शुरू करें। सोकर जब आप उठते हैं तो भारतीय हैं या यूरोपीय हैं देखिए। अगर आप सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं तो आप भारतीय हैं, सूर्य निकलने के बाद उठे तो आप भारतीय नहीं है। तो उठना सुबह जल्दी कर दीजिए, यहां से शुरू हो जाएगा। जल्दी सुबह उठ जाइए, सूर्य निकलने से पहले तो जरूर उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त इस देश में सबसे अच्छा माना जाता है, जो सुबह 3:30-4 बजे शुरू हो जाता है। 3:30-4 पर नहीं उठ सकते तो सूर्य निकलने से 10-15 मिनट पहले उठ जाइए, इतना तो कर सकते। और उसमें उठने के बाद आपका जो आसन है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, समाधि है, जो करना है सब करिए, क्योंकि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं। ये भारत के शास्त्रों में ऋषियों ने मुनियों ने हजारों लाखों साल के परीक्षण के बाद लिखा कि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं है। तो सुबह के समय में सब अच्छे काम करिए, जितने अच्छे से अच्छे, योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, समाधि में जाना है, जो करना है वो सुबह करिए। और ये सब करने के बाद अपना जीवन शुरू करिए, यहां से शुरू करिए। फिर आगे बढ़े थोड़ा, आप नाश्ता करने के लिए है तैयार हो रहे हैं, स्नान सुबह कर लीजिए, क्योंकि भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में सुबह का समय ही स्नान के लिए सर्वोत्तम है। तो स्नान सुबह ही कर लीजिए और स्नान के लिए ध्यान रखिए। बागवत ऋषि का एक सूत्र है, बागवत बहुत महान व्यक्ति हुए, हम शायद कम लोग जानते हैं उनके बारे में क्योंकि प्रचार कम हुआ उनके बारे में। चरक और एक शुश्रुत उन्हीं की कैटेगरी के थे बागवत। आयुर्वेद में भी 3 महान ऋषि माने जाते हैं, चरक, शुश्रुत और बागवत। वैसे तो और भी हुए, भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, आदि आदि बहुत थे, लेकिन इन 3 को सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे यह है चरक, शुश्रुत और बागवत। बागवत का सूत्र है, संस्कृत में है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, सीधे शॉर्ट में बताता हूं कि स्नान करना है तो सुबह ही करिए और ठंडे पानी से करिए, गर्म पानी से कभी भी मत नहाइए। और चरक ने, सॉरी, बागवत ने यह कहा है कि ठंडे पानी से स्नान इसलिए करना है कि हमारी जो प्रकृति है और पर्यावरण वातावरण है वो गर्म पानी के अनुकूल नहीं है नहाने में। गर्म पानी से नहाना सिर्फ उनके लिए है जो कोई गंभीर और बीमार है, रोग से पीड़ित, बहुत गंभीर कोई रोग है आपको तो गर्म पानी से नहाने की छूट है, अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ठंडे पानी से ही नहाइए। और जैसे आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो शरीर खुद उसको बैलेंस कर लेता है, शरीर में जैसे ही ठंडक आएगी ना उसको गर्म करने के लिए शरीर में हाइपोथैलेमस अपने आप सक्रिय हो जाएगा और उसकी क्रिया अपने आप आपको थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगी, बैलेंस कर देगी। गंगा जी में नहाते हैं गर्म पानी से, अभी कुंभ चल रहा है ना इलाहाबाद में, सब ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और सुना है कि वो सब बीमार हो जाते हैं, जो भी मुख नहाने जाते हैं सब बुखार लेके आते हैं। मैंने तो ये सुना है कि बुखार लेके गए और कुंभ नहा के लौटे तो ठीक हो गए। एक स्वामी शिवानंद थे, अब जीवित नहीं है, योग के बहुत महान माने विद्वान व्यक्ति थे, उनका आश्रम, उनके यहां मेरे पिताजी जाया करते, मेरी माताजी पिताजी उनको अपना गुरु मानते रहे। तो मेरे पिताजी माताजी ने बताया कि स्वामी जी के यहाँ बहुत बार ऐसे लोग आते थे जिनको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा, तो स्वामी जी कहते थे जाओ गंगा में डुबकी लगाते हो, तो बेचारे परेशान हो जाते थे, तो गंगा और वो भी ऋषिकेश की गंगा,
यहां भी नहीं, कानपुर इलाहाबाद की गंगा, ऋषिकेश की गंगा, पानी डालो तो शुद्ध हो जाता है। तो स्वामी जी कहते डुबकी लगा के आओ, एक टंकी लगा के आना। और फिर माता पिता बताते हैं कि जिनको भी भेजा गंगा में डुबकी लगाने, लौट के आए तो बुखार नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं। तो स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी ये क्या चमत्कार है? तो स्वामी जी कहते तो कुछ चमत्कार नहीं है, ये गंगा का पानी उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि विज्ञान में कोई दूसरा सत्य है। ये शरीर को अपना ही बैलेंस बना लेता। तो यहां ठंडे पानी से नहाने का रिवाज है, इसलिए गंगा में डुबकी लगाना, त्रिवेणी में डुबकी लगाना है। अगर वो ठंडे पानी से नहीं नहाना होता तो कोई आयुर्वेद चिकित्सक ये नहीं बोलता आपको कि गंगा में नहाओ। वो कहते घर में नहाओ, गंगा का पानी ले आओ, गर्म करो फिर नहाओ। नहाना ठंडे पानी से ही, पीना गर्म पानी, नहाना ठंडे पानी से। भारत का जो नियम है वो ठंडे से नहाना, गर्म पानी पीना, यूरोप में उल्टा है, ठंडा पानी पीना, गर्म से नहाना। आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में सब लोग ठंडा पानी पीते हैं। इतना ठंडा पानी होता है कि फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से बर्फ डालेंगे, चिल्ड वाटर, फिर पिएंगे। फिर मैंने उसका परिणाम भी देखा कि यूरोप में जितने लोग फ्रिज का चिल्ड वाटर पीते हैं, सवेरे से अंदाज घर में जब जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर ही बैठे रहते हैं। पूछो भैया एक घंटे क्या कर रहे थे टॉयलेट रूम में? तो कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे न्यूज पेपर? पेट साफ नहीं होता, संडास नहीं हो सकते, खूब जोर लगाते फिर भी नहीं हो सकते। बेचारे कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं रहती। और कुछ लोग तो इतने त्रस्त होते हैं कि कभी उनको बैठते कहते एक बार आ जा आ जा आ जा, मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका के लोगों को मैंने देखा, उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, और इतनी कब्जियत है कि दो दो दिन पेट साफ नहीं होता, तीन तीन दिन नहीं होता। और उसका कारण है चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी पीते, बर्फ डाला फ्रिज में रखा हुआ। भारत में इसका उल्टा है, पानी पीने को हल्का गर्म और नहाने को ठंडा। तो सवेरे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद पीजिए पानी, तो पानी हल्का गुनगुना करके पीजिए, और पानी नहाने के लिए तो ठंडा रखिए, पीने के लिए हमेशा गुनगुना रखिए। फिर आगे चले नाश्ते की बात आती है, तो अपने भारत देश में और यूरोप में थोड़ा अंतर है। मैंने आपसे फिर कहा कि वहां का पर्यावरण हमारे से बिल्कुल अलग है, यहाँ जो नाश्ता करना है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, हैवी भारत में, क्योंकि यहाँ जो अग्नि है ना पेट की, जठराग्नि, इसका संबंध सूर्य के साथ। तो सूर्य जैसे ही सुबह उठता है अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उस समय आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको एक सरल सूत्र में समझाता हूं याद रखने के लिए, कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह से करिए, भर पेट कर, जितना खा सकते हैं सुबह खा लीजिए, और दोपहर का खाना उससे कुछ कम करिए, और शाम का बिल्कुल कम करिए। सुबह का खाना राजा की तरह से खाइए, दोपहर का साधारण नागरिक की तरह से, रात का भिखारी की तरह से खाइए। रात को कम से कम, दोपहर को मीडियम, और सुबह सबसे ज्यादा। माने आपका ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट, लंच मीडियम और डिनर लाइट, ये परंपरा है भारत की, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण, सूर्य से हमारा जठर का संबंध है। सूर्य जब तक है खाना अच्छा पचेगा, जब सूर्य नहीं है शाम को तो खाना कम खाइए या बिल्कुल मत खाइए, तो बहुत ही अच्छा। थोड़ा और आगे चले, खाना खाएं तो भारत की पद्धति और परंपरा से खाइए, जमीन पर बैठकर आसन की स्थिति में, जो सुख आसन है ये सबसे अच्छा आसन है। यूरोप वाले डाइनिंग टेबल पे खाते हैं क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी उनकी क्या है कि उनके ये पैर के जो घुटने हैं और कमर, ये सभी ज्वाइंट्स है ना, ये बहुत कड़क है, क्योंकि ठंड में रहते हैं ना। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने किया था एक बार, मैंने बर्फ की सिल्लियां लगा दी चारों तरफ और उसके अंदर लेट गया, और थोड़ी देर के बाद जब मैं उठा तो सब कुछ अकड़ गया था मेरा। तो मैंने कल्पना कर ली कि यूरोप वाले बेचारे चारों तरफ बर्फ से घिरे 8 महीने ऐसे ही रहते, तो सब कुछ कड़क है उनका, ज्वाइंट सब कड़क है। तो अगर ज्वाइंट्स कड़क होंगे तो आसानी से फोल्ड नहीं होंगे, तो इसलिए वो या तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं। आप यूरोप में किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, अमेरिका की किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, लोग खड़े होकर ही काम करते हैं, बैठ के कोई काम नहीं करता वहां, सब खड़े होकर काम करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन कर नहीं सकते बैठ के,
बहुत कड़क हूँ ज्वाइंट्स, बार बार बैठना उठना उनके लिए संभव नहीं है, तो दिन भर खड़े रहते हैं। हमारे लिए ये नहीं, हमारे ज्वाइंट्स तो बहुत ही सॉफ्ट है, हमारा सब कुछ सॉफ्ट है, स्किन भी सॉफ्ट है, ज्वाइंट्स भी सॉफ्ट है, गम्स भी सॉफ्ट है। हिंदुस्तान के हर आदमी की हड्डियां यूरोप की तुलना में बहुत सॉफ्ट है, तो हमारा सॉफ्ट है, तो बार बार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो उतना बैठना चालू रहे, तो बैठ के खाना खाना, ये आलती पालती मार के तो अच्छे से आप कर रहे, तो जमीन पे खाना खाइए, डाइनिंग टेबल हटा दीजिए, बहुत कॉस्टली है। हाँ, दोनों हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भी और खरीदा है आपने उसके हिसाब से। आप घर के जितने बड़े इलाके में डाइनिंग टेबल रखते हैं, ये इलाका कम से कम 20 स्क्वायर फीट तो होगा या 25 स्क्वायर फीट तो होगा। एक स्क्वायर फीट जमीन कितने की है भिलाई? 500। तो 25 स्क्वायर फीट, 25 में 500 का बड़ा कर लो, 7,500 रुपए का खर्चा, मैंने इनकम आपने ब्लॉक की हुई है हर दिन की, घेर के रखा है उसको, काम नहीं आ रही है मुझे, क्या मूर्खता, हटा दीजिए इस डाइनिंग टेबल। आप बोलोगे क्या करें, बेच दीजिए कमाई को, कुछ तो आ जाएगी उसके, हाथ पैर निकाल के बेच लेना उसको, आपको तो जमीन पर बैठ के खाना है, क्या जरूरत है इस डाइनिंग टेबल, तो जमीन पर बैठ के खाना खाइए, फिर जमीन पर बैठ के ही पानी पीजिए और जमीन पर लेटिए। इस देश में ये तीन चीजों के बारे में बार बार कहा गया, जमीन पर खाना है, जमीन पर ही पानी पीना है, जमीन पर ही सोना है, बैठ पे सोना भी अच्छा है। तो धीरे धीरे हम यूरोप से भारतीयता में आना शुरू करते हैं और आप देखेंगे आपकी बीमारियां चुपचाप शरीर से भेदा होना शुरू हो जाए। और इसके लिए हमारे देश में सबसे अच्छा शास्त्र कोई है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं ना, ये मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये वाग्भट ऋषि की लिखी हुई बातें बोल रहा हूं, बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कहा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं। वाग्भट ऋषि ने दो किताबें लिखी हैं, मौका मिले जरूर पढ़िए, आपकी जिंदगी में दो पढ़ने लायक किताबें मैं बता रहा हूं। रामायण पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते तो ये वाग्भट की जरूर पढ़ लीजिए। रामायण पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम आपके हृदय में है। महाभारत पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वाग्भट ऋषि की दो किताबें जरूर पढ़िए, एक का नाम है अष्टांग हृदय और दूसरी है अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, मैंने मेरी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, अलग अलग तरह की, इंजीनियरिंग की पढ़ी है, साइंस की, फिजिक्स की, बेसिक फिजिक्स की, लेकिन मेरी मान्यता है जितनी अच्छी ये दो किताबें हैं शायद दुनिया में कोई नहीं। ये मिलती है बाजार, अष्टांग हृदय भी मिलती है, अष्टांग संग्रह भी मिलती है, वाग्भट इसके लेखक हैं, इनके सूत्र हैं छोटे 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 छोटे, इनका आप पालन कर लीजिए। वाग्भट के सूत्रों को मैं आपको बता देता हूं, पुस्तक जब आप पढ़े तब पढ़ लेना, 10-15 सूत्र बता देता हूं, तो आपकी जीवन शैली में से स्वस्थ कैसे हो जाए, आप निरोगी कैसे हो जाए, रोग मुक्त कैसे हो जाए, ये इसमें से समझ में आ जाए। वाग्भट जी कहते हैं, खाना कभी भी खाएं जमीन पर खाइए, ये तो एक बात मैंने बता दी, पानी कभी भी पिए जमीन पर बैठ के पीजिए। खाना खाने के लिए वो बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत पीजिए, नेचुरोपैथी में भी यही सोचते हैं, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तुरंत पानी मत पीजिए। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो उसके लिए सूत्र ये है कि एक धान्य से दूसरे धान्य के बीच में जो आप करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, माने आप गेहूं की रोटी खा रहे थे ये एक धान्य है, अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं ये दूसरा धान्य, तो दोनों के बीच के जंक्शन पर थोड़ा एक घूंट पानी पी लीजिए बस। जैसे रोटी खाना पूरा हुआ अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं तो एक घूंट पानी पी के फिर चावल खाना शुरू करिए, इतने की ही अनुमति है। और खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो एक घूंट पानी पी के शुरू करिए, ये एक दूसरी अनुमति है। ये गड़गड़ गड़गड़ टोटा भर के पीना ये बहुत खतरनाक है, मत कीजिए। और इसका कारण सीधा सीधा सा यह है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होती है, और अग्नि प्रदीप्त होगी और आप पानी पी लेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो फिर खाने का पाचन नहीं होगा, तो खाना सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सैकड़ों रोग पैदा करेगा। खाना पचना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि आप पानी 1-1.5 घंटे बाद पिए। मैंने ये देखा है जानवर जितने हैं ना प्रकृति में, ये सब वाग्भट के चेले, सब जानवर, गाय भैंस बकरी बकरा घोड़ा गधा कुत्ता सब वाग्भट के चेले। मैंने किसी भी जानवर को खाने के साथ पानी पीते नहीं देखा,
गाय सवेरे खाना खाएगी भरपेट पानी दोपहर को पिए, भैंस सवेरे खाना खाएगी भरपेट पानी दोपहर को पिए, बकरी सवेरे खाएगी पानी दोपहर को पिएगी, चिड़िया पक्षी सब खाना सुबह खाएंगे भरपेट पानी सब दोपहर को पिएंगे। मनुष्य एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो खाने के साथ गटगट पिएगा और खाने के बाद तो लोटे पर लोटा पिएगा, बहुत खराब है। जब भैंस समझती है तो आप तो समझ जाइए, हमारे जानवरों में सबसे मूर्ख भैंस मानी जाती है, उसको भी भागवत का सूत्र समझता है तो आप तो समझ लीजिए। आज से इस नियम को पालन करिए और मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि आज से आप ये शुरू कर दीजिए, आज से तीसरे दिन में आपको इसके असर दिख जाएंगे। क्या असर दिखेंगे? खाने के डेढ़ घंटे बाद अगर आप पानी पी रहे डेढ़ दो घंटे बाद, सबसे पहले आपका ये एड़ी का दर्द चला जाएगा अगर है तो, सबसे पहले तीसरे दिन से। चार पांच दिन के बाद आपके ये घुटने के दर्द में कमी आ जाएगी, आठ दस दिन के बाद कमर का दर्द कम हो जाएगा, पंद्रह दिन के बाद एड़ी का दर्द और घुटने का दर्द चला ही जाए तो बहुत आश्चर्य मत करना आप इसमें। तीन चार दिन अगर आपने ये किया तो पेट में गैस बनना बंद, खट्टी लगा आना बंद, मुंह में पानी आना बंद, अच्छी नींद आएगी, ये सब तीन चार दिन में शुरू हो जाएगा, आज से शुरू कर दीजिए। मैं ये काम सालों से कर रहा हूं और इसका लाभ मुझे ये है कि कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी जाता भी हूं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है, आप भी कर सकते, बहुत सरल है। खाने के एक डेढ़ घंटे बाद पानी पीना, ये चरक सर्व बाघभट्ट का सूत्र मेरा नहीं है। दूसरा सूत्र है वो नेचुरोपैथी में भी है और बाघभट्ट ने लिखा है उसको कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, गड़गड़ 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 पानी नहीं पीना। एक साथ एक लोटा पानी आपने उतार दिया मत करिए ये काम, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक एक ड्रॉप। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। सभी पक्षी और जानवर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पीते हैं, तो आप भी पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए। दो लाभ है उसके, मुंह में लार बनती है ना, ये थोड़ा पानी पीने से ज्यादा अंदर जाएगा। और वैसे तो पानी पीने का सबसे अच्छा नियम है थोड़ा पानी मुंह में भरिए, इसको घुमाइए, फिर पीके जाए, फिर पीछे उतारिए इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी पिए, सिर्फ करके पानी पिए तो लार पर्याप्त अंदर जाएगी तो पाचन बहुत अच्छा होने वाला है। और इस लार के बारे में सभी विज्ञान वाले माने आयुर्विज्ञान वाले मानते हैं कि वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये ज्यादा अंदर जाएगी, वात पित्त कफ संतुलन रहने वाला है तो बीमार नहीं पड़ेगी, और जो बीमारी है तो ठीक होना शुरू हो जाए, सिर्फ सिर्फ करके पानी। तीसरा नियम है पानी कभी भी पीजिए तो ठंडा मत पीजिए, वो मैं पहले ही बता चुका, हल्का गर्म पानी पीजिए। आप बोलेंगे जी गर्मी है तो भी अच्छा है हल्का गर्म पिए, नहीं तो घड़ी का पी सकते हैं, फ्रिज और बर्फ का तो बिल्कुल। चौथा नियम है सुबह उठे तो पानी से शुरुआत करिए अपने दिन की, सुबह उठने पर पानी से दिन की शुरुआत करिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, बीड़ी से नहीं, सिगरेट से नहीं, तंबाकू से नहीं, पानी से शुरुआत करिए, उठते ही पानी पी लीजिए। उषा पान कहा जाता है, कर सके तो बहुत अच्छा है, दो तीन गिलास पानी पी लीजिए, सिप सिप करके पी लीजिए तो बड़ी आंत एकदम साफ रहेगी आपकी, और जिनकी बड़ी आंत साफ रहती है छोटी आंत अपने आप साफ रहेगी तो शरीर एकदम स्वस्थ रहने वाला है। आगे का एक नियम है वो मैंने पहले बता दिया, पानी हमेशा बैठ के पीजिए, खड़े होके मत पीजिए। खाना खाइए तो बैठ के खाइए, खड़े होके मत खाइए। खाना खाते समय चबा चबा के खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए, कम से कम उतनी बार चबाइए जितने आपके दांत हैं। तो आपको 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30 बार चबाइए, 28 है तो 28 बार चबाइए, कोई अगर दांत ही नहीं है तो ऐसा खाना खाइए जिसको चबाना ना पड़े, जैसे खिचड़ी खाइए, हलवा खाइए, बासुंदी खाइए, बासुंदी माने रमड़ी, या तो दूध पीजिए, या तो दही खाइए, या तो मट्ठा, या तो कुछ ऐसी चीजें जिसको चबाना ना पड़े, बिना दांत वाले लोग ऐसा करें, दांत है तो चबाते खाइए। और एक दो दिन आप गिरिए चबाते समय, तीन चार दिन के बाद आदत ही पड़ जाएगी, अपने आप दिमाग गिरेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके आगे का एक छोटा सा नियम है कि खाना खाते समय, ये नियम विशेष है, ये वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद में भी ये नियम है कि भोजन करते समय आपका मुंह अगर पूर्व की दिशा में है तो सबसे अच्छा, सूर्य की दिशा सबसे अच्छा,
नहीं तो बाकी तो ठीक है, मजबूरी में तो कुछ भी होता है, अच्छा तो यही है। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है कि दोपहर को खाना खाया तो 20 मिनट के लिए विश्रांति लीजिए वाम कक्ष, वाम कक्ष वाले ये जो लेफ्ट साइड है इसमें लेट जाइए 20 मिनट, और उस 20 मिनट में नींद ले ले तो बहुत ही अच्छा। रात का नियम है कि खाना खाइए तो 2 घंटे तक मत सोइए, कम से कम 3 घंटे में नहीं सोए तो और भी अच्छा। दोपहर को खाते ही विश्रांति लेना है, रात को 2-3 घंटे तक सोना नहीं। फिर एक छोटा सा नियम है अगर कर सके सब लोग कि खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर अगर शाम को वज्रासन में बैठे तो बहुत अच्छा, पहले 10 ही मिनट बैठे लेकिन बहुत अच्छा, दोपहर को भी बैठ सकते। जो वाम कक्ष ही नहीं कर सकते उनको वज्रासन जरूर करना चाहिए दोपहर को। फिर आगे का एक नियम है कि आप जब भी विश्रांति लें तो सिर आपका हमेशा पूर्व में या दक्षिण में रखिए, आइदर ईस्ट और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में सिर करके कभी मत सोए, नहीं तो नींद कभी भी अच्छी नहीं आएगी। इसका संबंध है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, आपके ऊपर कम से कम बल लगे तो नींद अच्छी से अच्छी आती है। तो ईस्ट में ही यह संभव है और साउथ में यह संभव, नॉर्थ में संभव नहीं है और वेस्ट में नहीं। अब मैं आप बचपन में याद करता हूं कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा किसी की मृत्यु हुई तो तुरंत उसका सिर उत्तर में करते हैं, जीवित रहने पर उत्तर नहीं चलता, मरने के बाद ही उत्तर में किया जाता है। इसलिए उत्तर में सिर करके कभी मत सोइए, मृत्यु की दिशा माने जल्दी मृत्यु आई, दीर्घ जीवन जीना है तो ईस्ट में और साउथ में। और एक बहुत अच्छा सूत्र है भागवत का, संस्कृत में है, सीधे हिंदी बताता हूं। पार्वती जी कहते हैं कि ऐसे भोजन को कभी मत खाइए जिस पर सूर्य के प्रकाश का और पवन का स्पर्श ना हुआ हो। सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श जिस भोजन को नहीं हुआ वो कभी मत खाइए। भागवत ने ये बात हजारों साल पहले कही और आज की शताब्दी में ये बिल्कुल सटीक दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ ऐसा एक ही भोजन होता है जो फ्रिज में रखा हो, है कि नहीं? फ्रिज में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, फ्रिज में पवन भी नहीं घुस सकती, ये भोजन मत खाइए खतरनाक है। ये भागवत ने हजारों साल पहले कहा था, फ्रिज नहीं था लेकिन शायद उनको ये अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये दुनिया मूर्खता करेगी और ऐसा कुछ ही बनाएगी मशीन जो लोगों को बीमार करेगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श जिसको नहीं हुआ ऐसा भोजन मत करिए, मानी फ्रिज का खाना मत खाइए, ताजा ताजा बनाया हुआ खाना खाइए। फ्रिज मैंने बताया यूरोप के लिए मजबूरी है, हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। हम ताजा खाना बनाते रोज सुबह खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं, और खाने का तो नियम यह है कि 1 घंटे के अंदर बना के खा लेना बहुत अच्छा है, खाना बनाया और 1 घंटे में खा लेना ही सबसे अच्छा है। फ्रिज में रख के शाम को खाना, फिर शाम का जब ये खाना, फिर सुबह का दूसरे शाम को खाना, ये महामूर्खता है, ये आप खुद बीमारी की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भागवत ऋषि के 2000 नियम मैंने आपको 10-12 बताए, 2000 में बता सकता हूं लेकिन उसमें बहुत समय जाएगा, आपके पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं। तो ये 10-12 नियम मैंने बता के आपको कहा कि आप इनसे शुरू करिए, अगर आपको मजा आए तो आगे 2000 नियम बताने आऊंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिला। लेकिन उसके लिए आपको जैसे राम कथा होती है ना ऐसे स्वास्थ्य कथा करानी पड़ेगी। हाँ मैंने एक बार ये बोला है बहुत पहले स्वास्थ्य कथा में, उसमें 40 घंटे लगते तब 2000 सूत्र समझ में आते, तो 40 घंटे कब होंगे, रोज 3 घंटे सुनो तो 11 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 13 दिन चाहिए, तो इतने दिन में राम कथा होती है। तो कभी आप तय करो भिलाई वाले की हम स्वास्थ्य कथा कहेंगे, राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा भी हो गई, कोई राम नहीं हो रहा है, कोई कृष्ण भी नहीं। हाँ सालों साल से हम सुन रहे हैं राम की कथा, सालों साल से सुन रहे हैं कृष्ण की कथा, एक राम नहीं निकलता, एक कृष्ण नहीं निकलता, रावण और कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है, रावण बहुत दुर्मय है, कंस बहुत है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई स्वास्थ्य कथा कहना शुरू करो, तो कम से कम हम अपने लिए तो कुछ कर पाएंगे, अपना जीवन सुखी बनाएंगे, अपना जीवन निरोगी बनाएंगे, और शायद इसकी जरूरत है देश को, इसलिए रामदेव जी ने कहना शुरू किया स्वास्थ्य कथा ही तो है।
और लोग सवेरे सवेरे 4 बजे सब छोड़ छाड़ कर पहुंच जाते हैं स्वामी जी के पास, और स्वामी जी बोले पैर ऊपर कर लो तो ऊपर, सिर नीचे कर लो तो नीचे, 100 करोड़ रुपए का मालिक 200 करोड़ रुपए का मालिक स्वामी जी के कहने पे सिर नीचे कर रहा है, पांव ऊपर कर रहा है, स्वामी जी कहते हैं दो गिरा कैसे करते, नीचे नहीं गिराना ऊपर। जो आदमी कभी 8 बजे पहले सोकर नहीं उठा वो रामदेव जी के यहाँ सवेरे 4 बजे पहुंच जाता है, गाठिया लाइन से लगाता है, कारण क्या है, शायद उसकी जरूरत है उसको, इसलिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वास्थ्य कथा आज कही जाए इस देश में तो शायद ज्यादा इसमें से अच्छे परिणाम निकलेंगे, कम से कम एक परिणाम तो अच्छा निकलेगा, सब निरोगी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो उनका लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा और देश की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो आपको ये विषय में अगर रुचि हो तो कभी दोबारा आप रख सकते हैं, लेकिन 8-10 दिन लगातार 4-4 घंटे मैं बात करूंगा। उसमें मैंने स्लाइड्स प्रोजेक्शंस बनाए हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पर मैं उसको दिखाता हूँ, भागवत का सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका आज के समय में अर्थ क्या है, ऐसा करके। तो खैर कभी भविष्य की बात है, लेकिन आज जो 10-12 बताया ये आप ध्यान रखिए, इतने से शुरू करिए, बहुत लाभ।